भी काम है हम करके दे देंगे, और वो हम पढ़ चुके हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और आप ये जानकर चलिए, नेक्स्ट अगर हुकूमत किसी का हो रहा तो जेडीएस हो रहा, कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बन रहे, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, कौम का जो आप सोचा है हम भी आपके साथ रहेंगे। नमस्ते। मैं बंडप्पा साहब का, कुमार अन्ना साहब का, प्रोफेसर बली साहब का शुक्र गुजार हूँ कि हम जो माइनॉरिटी के लिए डिमांड रखे थे, आने वाले दिन अगर कुमार अन्ना सीएम बनते हैं तो ये डिमांड को पूरा करेंगे, बल्कि हम आपको जो है विश्वास दिए हैं, और इसी के साथ हम ये डिमांड के लिए हम जेडीएस पार्टी में जा रहे हैं। गवली अर्कट पीस सेंटर नियर राजकमल होटल हुलसूर रोड, फेस्टिवल्स और मैरिजेस के लिए बेस्ट स्टॉक अवेलेबल है। देखिए बीदर में ओवरऑल बहुत अच्छा है, अच्छे कैंडिडेट हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिन बहुत अच्छा तरह से हमारे काम भी होता है। सर सुनने में आ रहा है कि बसों कल्याण से जेडीएस में साहब के अलावा भी और दूसरे भी एस्पिरेंट्स हैं, सभी लोग आते हैं, उसका कोई ये नहीं, सब लोग मिल के काम करते हैं। मल्लप्पा को कहना है कि उन्होंने भी क्या नॉमिनेशन भर रहे हैं, तो क्या जेडीएस से नॉमिनेशन भरे हैं किससे भरे? नहीं नहीं नहीं, देखो वो मेरे को कुछ मालूम नहीं है, मालूम है वो उन्होंने हमारे पार्टी में आए सो है, मालूम है, आगे मेरे को जानकारी नहीं। तो यहाँ पे क्या रणनीति रहेगी सर जेडीएस की? रणनीति हमारा कैंडिडेट को जिताने के रणनीति रहेंगे। तो यहाँ पे लोगों को किस तरह से क्या कन्विंस करें सर यहाँ? अरे पंचरत्न जैसा योजना जो है ना, ये कर्नाटक में आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं दिया, हम लोग देने वाले हैं। खासकर होंदे हो, गरीब लोग होंदे हो, अटल ये रहते हो, पेंशन रहते हो, हर चीज़ जो है ना बढ़ा के दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, लोगों में कॉन्फिडेंस है, ये दोनों नेशनल पार्टी जो है ना सिर्फ बातें करते वो काम नहीं करते, इसलिए कर्नाटक में भी जो है ना एक रीजनल पार्टी को मजबूती के साथ लाना है, इस बार लोग हमारे जेडीएस का हाथ पकड़ते हैं। बसों कल्याण में आपका आपका जैसा के साथ साहिब साथ में आपके, तो यहाँ पे जिस तरह से काम चल रहा है तो उसमें क्या लगता है कि बसों कल्याण में किस तरह से? बिल्कुल सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा पार्टी जीतता, हमारा कैंडिडेट जीतता।